दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तेरह फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं जी हाँ सुना अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की, तो की तरफ से सत्तर परसेंट लाइक किया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफार्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओटीटी प्लेटफार्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हां दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रिप प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रिप प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप एक बार तो इस को जरूर, जरूर कीजिएगा तो की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो हजार नौ में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विपरण इमरोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमे इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा के प्रोसित किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीधार शाइद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक तो मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तेरह फरवरी दो हजार नौ को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेड टोमेटो के बारे में

प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ओटी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप एक बार तो इस को जरूर, जरूर कीजिएगा तो की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो, तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो हजार नौ में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विवरण इम्रोस इंटरनेशनल इंटर्ट, ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा उत्सव के प्रोसित किया गया था पांच जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रेक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीदार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा

तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तेरह फरवरी दो हजार नौ को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटो के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से साठ परसेंट फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सत्तर परसेंट लाइक किया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप एक बार तो इस को जरूर, जरूर कीजिएगा तो की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर जरूर से जरूर करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार्बर है 2009 में आ, आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विपरण इम्रोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा के प्रोजेक्ट किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीदार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो तो दोस्तों आपको एक बार यह तो मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तेरह फरवरी दो हजार नौ को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेड टोमेटो के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को, के बारे में, तो दोस्तों इस को की तरफ से सत्तर परसेंट लाइक किया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के OTT के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो, तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो हजार नौ में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विवरण इम्रोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा के प्रोसित किया गया था पांच जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रेक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीधार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर कीजिएगा बात करें जरूर से जरूर चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में 13 फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तब तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं जी हाँ सुना अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सत्तर परसेंट लाइक किया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओटीटी प्लेटफार्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओटीटी प्लेटफार्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रिप प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रिप प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप एक बार तो इस को जरूर, जरूर कीजिएगा तो की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर, जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो, तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट भी किया था और इसका इब्रोस इंटर, इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा उत्सव के प्रोजेक्ट किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रेक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीदार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में 13 फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर Enjoy करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों को आई एम टीवी रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के के रोटेन बारे में तो दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटो की तरफ से साठ परसेंट फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सत्तर लाइक किया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स तो प्लेट पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप एक बार तो इस को जरूर, जरूर कीजिएगा तो की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर जरूर से जरूर करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो, तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो हजार नौ में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विवरण इम्रोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा के प्रोसित किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रेक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीदार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ ही मैंने इस इस वीडियो के अंदर मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तेरह फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटो के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को रोटेन की तरफ से साठ परसेंट बताया गया है जी दोस्तों बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सत्तर लाइक किया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप एक बार तो इस को जरूर से जरूर कीजिएगा तो की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर जरूर से जरूर करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार्बर है 2009 में आ, आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विपरण इम्रोस इंटरटेन इंटर, इंटर, इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा के प्रोसित किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रेक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तेरह फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से

काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप एक बार तो इस को जरूर से जरूर कीजिएगा तो की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो हजार नौ में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विवरण इम्रोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा के प्रोसित किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रेक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तेरह फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं जी हाँ सुना अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सत्तर परसेंट बताया, के, के तो से 70 लाइक किया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर जरूर से जरूर करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार्बर है 2009 में आ, आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट में भी किया था और इसका विपरण इंटरनेशनल इंटर्ट, ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म तेरह फरवरी दो को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा उत्सव के प्रोसित किया गया था पाँच जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रैक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीदार शायद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुँची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तेरह फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं जी हाँ सुना अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सत्तर परसेंट लाइक किया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार है दो में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विवरण इम्रोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा के प्रोसित किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड प्रीतम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीदार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में 13 फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो, जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं जी हाँ सुना अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सत्तर परसेंट लाइक किया गया है दोस्तों, बिल्कुल था था। बात करते तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो, तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के के बजट बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विपरण इम्रोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा के प्रोतित किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रेक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तेरह फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना।, आप तो सुना अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटो के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटो की तरफ से साठ परसेंट बताया गया है जी दोस्तों बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सत्तर लाइक किया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो, तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विवरण इम्रोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा के प्रोसित किया गया था पांच जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीदार नी, नी, साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में 13 फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तब हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से 6.4 पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते इस मूवी के रोटेड टोमेटो के बारे में

के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार्बर है 2009 में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विपरण इम्रोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म तेरह फरवरी दो नौ को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के महा उत्सव के प्रोसित किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रेक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के, के बारे में जरूर एंजॉय जरूर करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में 13 फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तब हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से साठ परसेंट फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सत्तर परसेंट लाइक किया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्लेट हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विपरण इम्रोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा के प्रोतित किया गया था पांच जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीदार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में 13 फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तब हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटो के बारे में

के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो हजार नौ में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विपरण इमरोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा के प्रोतित किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रेक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीधार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुँची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड प्रीमियर के बारे में तो 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 दोस्तों दोस्तों इस मूवी मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फेक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में 13 फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से साठ परसेंट फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सत्तर परसेंट लाइक किया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट भी किया था और इसका इंटर इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलु की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महोत्सव के प्रोजेक्ट किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रैक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीदार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर, पर पहुँची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में 13 फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तब हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेड टोमेटो के बारे में

प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विपरण इमरोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा उत्सव के प्रोतित किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रेक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीधार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुँची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड प्रीमियर के बारे में तो तो दोस्तों दोस्तों इस मूवी मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फेक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में 13 फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से साठ परसेंट फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सत्तर परसेंट लाइक किया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विवरण इमरोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा उत्सव के प्रोतित किया गया था पांच जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीदार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तेरह फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को मु रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेन टोमेटोज के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से साठ परसेंट फ्रेश बताया गया है जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सत्तर लाइक किया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विपरण इमरोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा उत्सव के प्रोतित किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रेक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीदार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुँची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी के लिए बाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड प्रीमियर के बारे में तो तो दोस्तों दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फेक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में 13 फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तब हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से 6.4 पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेड टोमेटोज के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को रोटेन की तरफ से फ्रेश बताया गया है जी दोस्तों बिल्कुल सही सुना आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के, तो के, के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार्बर है 2009 में आ, आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका इंटरनेशनल इंटर्ट, ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म तेरह फरवरी दो को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह दो की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा उत्सव के प्रोसित किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रैक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरज दीदार शायद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में 13 फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना।, आप तो सुना अब बात करते हैं जी हाँ सुना अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सत्तर परसेंट लाइक किया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप एक बार तो इस को जरूर एंजॉय जरूर कीजिएगा तो चलिए कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो, तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विपरण इमरोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा उत्सव के प्रोतित किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रेक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीदार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुँची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्लेटफॉर्म हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप तो दोस्तो, तो दोस्तो, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में 13 फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तब तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं जी हाँ सुना अब बात करते इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सत्तर परसेंट लाइक किया गया है, दोस्तो है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार्बर है 2009 में आ, आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विपरण इम्रोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा उत्सव के प्रोतित किया गया था पाँच जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रेक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीदार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में 13 फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तब तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं जी हाँ सुना अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सत्तर परसेंट लाइक किया गया है, दोस्तो बिल्कुल सुना। बात करते है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विपरण इमरोस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा उत्सव के प्रोतित किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड प्रीतम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीधार शाइद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में 13 फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तब हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को IMDb रेटिंग 10 में से 6.4 की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं इस मूवी के रोटेड टोमेटोज के बारे में

प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रेड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट में भी किया था और इसका विपरण इंटर, इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी 2009 हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलु की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा उत्सव के प्रोजेक्ट किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड ट्रेक प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार नीरज निरजीदार नीर साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप बिल्लू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्लू मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में 13 फरवरी 2009 को रिलीज की गई कॉमेडी एंड ड्रामा मूवी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शनी ने जो जो कि जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तब तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के आई रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई रेटिंग दस में से छह पॉइंट चार की मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करते हैं जी हाँ सुना अब बात करते हैं इस मूवी के गूगल यूजर्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सत्तर परसेंट लाइक किया गया है दोस्तों सही सुना। अब बात करते तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस का ओ टी टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड ट्रे प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना जी सिनेमा पर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे शाहरुख खान इरफान खान लारा दत्ता ओम पुरी राजपाल यादव और दीपिका पादुकोण आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू तो टाइम अपडेट मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करते इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में तो दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सैतालीस करोड़ का कारोबार किया था तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्लू जिसका मूल नाम बिल्लू बार बार है दो में आई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रिय दर्शन ने किया था जिसका निर्माण रेड चिल्ली इंटरटेनमेंट भी किया था और इसका विपरण इमरस इंटरटेन इंटरनेशनल ने भी किया था जिसमें इरफान खान मुख्य किरदार में है साथ ही शाहरुख खान और लारा दत्ता भी मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारों की एक टीम है करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के गानों में विशेष भूमिका निभाई है यह फिल्म 13 फरवरी दो हजार को दुनिया भर में रिलीज की गई थी यह 2007 की मलयालम फिल्म तथा परमेलू की रिमेक एक भाषण पूर्णा की कृष्ण सुदामा के बीच दोस्ती की कहानी का आधारित करता है फिल्म को 2009 के हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की महा उत्सव के प्रोतित किया गया था 5 जनवरी 2009 को रिलीज हुई बिल्लू के साउंड प्रतिम का संगीत है जबकि गीत गुलजार निरजीदार साहिद कादरी आशीष पंडित के मयूर पर पहुंची है तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके दोस्तों बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें दो घंटा सत्रह मिनट में देखने को मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अब बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों ये मूवी आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज वायरल चलती रहती है तो दोस्तों आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस मूवी के OTT टी प्लेटफॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का OTT टी प्लेटफॉर्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के वर्ल्ड प्रीमियर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद